तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा एप्लीकेशन देने वाला हूँ जिसका यूज करने पर आप लोगों का हेडशॉट पड़ने का चांस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। एंड गाइस मैंने पर्सनली इस वाला एप्लीकेशन को यूज करके देखा है एंड कसम से यार आप लोग मानोगे नहीं कि ये वाला एप्लीकेशन का कुछ सीक्रेट सेटिंग को ऑन करने के बाद मेरे मोबाइल का सेंसिटिविटी एंड टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। एंड गाइस इस वाला ऐप पे और एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन मिलता है जो कि नो रिकॉइल वाला ऑप्शन है। एंड गाइस इसको ऑन करने के बाद आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे फायर करने के बाद मेरा गन का जो एमओ है गन से फायर किया हुआ हर एक गोली एनिमी के बॉडी में जाकर टच हो रहा है एंड मेरे हर एक गन का जो रिकॉइल प्रॉब्लम था वो भी काफी ज्यादा कम हो चुका है गाइस, जो कि आपको बैकग्राउंड में मेरे गेम प्ले में दिख ही रहा होगा। सो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड किस तरीके से करना है एंड इस एप्लीकेशन का सेटिंग को अप्लाई कैसे करना है। एंड गाइस इस ऐप को यूज करने के बाद आपका हेडशॉट पड़ने का चांस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है एंड गाइस आपका गेम प्ले भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ऑप्टिमाइज, तो इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑप्टिमाइज लेवल है इसको ड्रैग करके मैक्स कर देना है। मैक्स करने के बाद नीचे जो अप्लाई वाला बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा यहाँ पर। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर ऑप्टिमाइज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सेंसिटिविटी लेवल, तो यहाँ पर आपको 4x4 कर देना है, मतलब यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पर आपको 4 times प्रेस करना है एंड उसके बाद आपका 4x4 हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हो टच स्पीड, तो इसको आपको ड्रैग करके फुल कर देना है। इससे क्या होगा जो आपके डिवाइस के स्क्रीन का जो टच स्पीड है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद गाइस जो ऑप्शन है रिमिलेस विद इट, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हाई कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्री फायर का जो सेंसिटिविटी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा जनरेट करने के लिए यहाँ पर जो जनरेट वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग जो आपका मोबाइल का सेंसिटिविटी सही है वो यहाँ पर दे देगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो है गाइस स्पेस स्टेबिलाईजर, तो इसको कर देना है आपको ऑन एंड आपका जो डिवाइस का FPS है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो इससे क्या होगा आपका गेम प्ले बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है गाइस नो रिकॉइल वाला, ये आपका जो वेपन आपका गन का जो एमओ है शॉर्ट रेंज में उसका एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई कर देगा एंड रिकॉइल बहुत ही ज्यादा कम कर देगा, तो इसको ऑन करना जरूरी है। तो इसको यहाँ पर टिक करके ऑन कर लेना है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका आधा काम हो चुका है। सो गाइस बहुत लोग यहाँ पर कहते हैं कि आपका जो ऐप है वो वर्क नहीं करता, आप फेक वीडियो बनाते हो। तो गाइस आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है जो आपका डिवाइस का टच स्पीड है वो यहाँ पर इंक्रीज करेगा एंड आपके गन का जो रिकॉइल है वो यहाँ पर कम करेगा। तो इसी कारण से ऐसा एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं। एंड जो भी बंदे इस वीडियो को हैक फाइल के लिए देख रहे हो ना, तो गाइस अभी से आप लोग इस वीडियो को देखना छोड़ दो, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। क्योंकि गाइस ये वाला एप्लीकेशन कोई फ्री फायर का हैक नहीं है जिसको अप्लाई करने के बाद आपका हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बस सिर्फ आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताता हूँ जिससे आपका डिवाइस का सेंसिटिविटी लेवल स्मूथ हो जाए एंड गेम खेलते समय आपके डिवाइस में लैगिंग प्रॉब्लम ग्लिच वगैरह कम देखने को मिले। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गाइस यहाँ पर नीचे सिंपल से आपको स्क्रॉल करके चले जाना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस नीचे आने के बाद सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है इनेबल डू नॉट डिस्टर्ब, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग कुछ और भी इंटरफेस खुल सकता है। तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पर कोई भी आपका एप्लीकेशन हो जिसका नोटिफिकेशन आपके गेम खेलते समय आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो सिंपल सा इसको ऑन कैसे करना है, मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर माई जियो जो ऐप है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अलाउ डू नॉट डिस्टर्ब, तो इसको ऑन करने के बाद इस एप्लीकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके गेम खेलते समय आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। तो सिंपल से यहाँ पर अलाउ करके ऑन कर देना है। तो सिंपल से यहाँ से चले जाना है आपको बैक। बैक आने के बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है गाइस बैटरी ऑप्टिमाइजर, तो सिंपल से बैटरी ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक कर देना है।
एंड गाइस यहां पर देख सकते हैं 3 रिकमेंडेड ऑप्टिमाइजेशन। सबसे ऊपर यहां पर Realme के मोबाइल फोन के ऊपर आ रहा है, आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग कहीं भी दे सकता है ये वाला ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस इसको ऑन करने से क्या होगा कि आपके डिवाइस का जो बैटरी है वो बहुत ही लॉन्ग चलेगा। जो भी एप्लीकेशन है इसके ऊपर टिक करना होगा आपको, एंड यहाँ पर सेव पावर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल से यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो चुका है, तो आपको चले आना है बैक। एंड सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है चेंज द सिमिलिस्ट विडिट, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको शॉर्ट फॉर्म में DPI भी बोलते हैं, तो सिंपल से इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका DPI खुल जाएगा आपके डिवाइस का, एंड यहाँ पर सिंपल से आपको नीचे चलाना है। एंड गाइस जो यहाँ पर सिमिलिस्ट विडिट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको 450 के ऊपर नहीं करना है, यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ 450 के ऊपर आपको नहीं करना है, वरना आपका डिवाइस खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा 440 आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर 440 करके यहाँ पर सेव कर देना है। इससे क्या होगा जो आपके डिवाइस का चार्ज स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो सिंपल से ऐसे चले जाना है आपको बैक। उसके बाद गाइस यहाँ पर सभी ऑप्शन को ऑन करने के बाद नीचे जो सेकंड प्ले का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप बैक आ जाओगे उस वाला एप्लीकेशन से, तो सिंपल सा आपका अगर फ्री फायर है तो फ्री फायर को ओपन कर लेना, एंड फ्री फायर मैक्स है तो फ्री फायर मैक्स को ओपन कर लेना। तो गाइस बता देता हूँ इस वाला एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपको इस वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाना है, एंड वहाँ पर आपको इस वाला ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका तो उसके लिए गाइस आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं हर एक बंदे का मैसेज का रिप्लाई जरूर देता हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो के साथ। तो गाइस तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।